जब काजोल के कारण अजय देवगन से पिटते पिटते बच्चे शाहरुख। अजय देवगन और शाहरुख खान की दुश्मनी पूरे बॉलीवुड में फेमस है। दोनों स्टार एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। अगर पास्ट में जाएं तो इसकी एकमात्र वजह है काजोल। काजोल को लेकर दोनों के बीच इतने मतभेद पैदा हो चुके थे कि एक बार शाहरुख अजय देवगन के हाथों पिटते पिटते बच्चे थे। बाजीगर की कामयाबी से लेकर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तक काजोल और शाहरुख खान बॉलीवुड के सक्सेसफुल कपल बन चुके थे। इस जोड़ी को हर निर्माता अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। उन दिनों काजोल और शाहरुख खान यशराज फिल्म और करण जौहर की दर्मा प्रोडक्शन की लगभग मिल्कियत बन चुके थे। उन दिनों काजोल और अजय देवगन का रोमांस शुरू हो चुका था, जबकि फिल्मी हलके में काजोल और शाहरुख खान के रोमांस की चर्चा हर जुबान पर थी, जिससे अजय देवगन काफी परेशान हो चुके थे। इन्हीं दिनों करण जौहर ने काजोल और शाहरुख खान को लेकर एक पार्टी में काफी भद्दी टिप्पणी कर दी, जो अजय देवगन के कानों तक भी पहुंच गई। उन दिनों काजोल करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है की शूटिंग कर रही थी। गुस्से में तमतमाए अजय देवगन सेट पर पहुंच गए और काजोल से मिलने की जिद करने लगे। काजोल उस समय शाहरुख के साथ बैठी थी। मौके की नजाकत को देखते हुए उन्हें काजोल से मिलने नहीं दिया गया। अजय दूसरे दिन भी सेट पर जा पहुंचे और उन्हें इस बार भी उन्हें रोक लिया गया। उन्हें बताया गया कि शाहरुख खान का आदेश है कि सेट पर किसी बाहरी आदमी को ना आने दिया जाए। इतना सुनना था कि अजय गुस्से से पागल हो गए और वो सबको धक्का देते हुए शाहरुख के पास पहुंच गए और उन्होंने शाहरुख को गालियां बकनी शुरू कर दी। अजय को गुस्से में देख शाहरुख खान ने अपनी वैनिटी वैन में खुद को बंद कर लिया। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक अजय देवगन ने काजोल पर अपना गुस्सा उतारा और वहां से चलते बने। आज भी शाहरुख खान और अजय देवगन के बीच बड़ी गहरी दुश्मनी है।